तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वी लुकअप फॉर्मूला। देखिए, वी लुकअप फॉर्मूला शुरुआत में बहुत ज्यादा हुआ था, मतलब कि एक तरह से बवाल था कि हाँ वी लुकअप आना चाहिए, वी लुकअप आना चाहिए। हम लोगों के इंटरव्यू में पहले ही पूछता था, आपको एक्सेल आता है? हाँ। वी लुकअप इंटरवल आता है? हाँ। देखिए, वी लुकअप है क्या, पहले चीज इसके समझ लीजिए। वी लुकअप एक लुकअप मेथड है। वी लुकअप ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी लुकअप मेथड के बारे में बात करते हैं। लुकअप मेथड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप अपने ये देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, आप अपने रिजल्ट को देखते हैं, तो क्या होता है रिजल्ट, आप वेबसाइट खोलते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और रोल नंबर डालने के बाद जैसे ओके करते हैं, वो लाखों स्टूडेंट में से आपका रोल नंबर का डेटा खोज के दे देता है। अभी चलिए, अब बिल्कुल रिजल्ट तो पुराना चीज हो गया, तो आप जब पढ़ते थे तब की बात हो गई। अभी आप बैंक जाते हैं, बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट नंबर उनको देते हैं, ठीक है? अब एक बैंक में करोड़ 2 करोड़ से अकाउंट होल्डर तो जरूर होगा। अब उस करोड़ 2 करोड़ अकाउंट होल्डर में से आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देते, ठीक है? अब चलिए यहीं पे देखते हैं कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है? अब ये डेटा बहुत सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। और मेरे बॉस ने मुझे कुछ आई नंबर भेजे हैं कि इस आई नंबर की डिटेल मुझे दे दो, ठीक है? अब मैं कैसे निकाल, 115 की डिटेल मुझे चाहिए, तो मुझे डेटा में जाके 115 को कंट्रोल एफ करके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक तो हो गई प्रॉब्लम वाली बात, क्या प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना सर, कि हर बार मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे हमने वी लुकअप का इस्तेमाल करें, और वी लुकअप में डायनेमिक भी होगा कि मैं यहीं पे नंबर चेंज करके देख सकता हूं। तो यहां मैं लगाऊंगा वी लुकअप। वी लुकअप लगाने से पहले कुछ चीज डाल लीजिए। पहला, जो आईडी है जिसके बिहार के डेटा यहाँ आप देख रहे हैं, वो हमेशा कॉलन ए में होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जो आईडी से ढूंढना शुरू करेगा उसके आगे के वैल्यू को ही शो करेगा। तो हमेशा पहला कॉलम ही होना चाहिए। जी हाँ, पहला कॉलम ही होना चाहिए। दूसरा, अभी ये जो आईडी आपका है ये नंबर में है और ढूंढ रहा है नंबर में, दोनों नंबर ही नंबर होना चाहिए। जैसे 150 है तो ढूंढ देगा, लेकिन यही अगर सिंगल कोट में 150 इस तरह से लगा हुआ तो नहीं देगा, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम मिलते हैं वी लुकअप, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद हम डेटा को सिलेक्ट किए, यहाँ पे देते comma 1 2, ठीक है? ये आपने क्या कॉलम लिस्ट में पहला क्या था, लुकअप वैल्यू, मतलब किसको ढूंढना चाहते हैं, टेबल एरिया है कि कौन सा डेटा है, और डेटा हमेशा आईडी, जिस आईडी को सर्च कर रहे हैं उसी आईडी से शुरू कीजिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा कॉलम है, तो पहला दूसरा कॉलम है, दूसरा डाल दिया, यानी कॉमा टेंथ लुकअप हमने 0 कर दिया, एग्जैक्ट मैच। हमने क्या कर दिया, एग्जैक्ट मैच, ठीक है? अब ऐसे मुझे यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू चाहिए वी लुकअप, एक बार में एक फॉर्मूला एक ही रिजल्ट देगा, तो जितने कॉलम्स हैं उतनी बार फॉर्मूला आपको लगाना, यहाँ पे 3, यहाँ पे comma 3 comma 0। फिर यहाँ पे अगेन वी लुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, और हमने डेटा में जाने के बाद यहाँ पे comma 4 comma 0। फिर यहाँ पे हमने किया वी लुकअप, हमने इसको सेलेक्ट किया, डेटा में गए, और हम यहाँ पे 5 comma 0 कर,
लेकिन ऐसे एक एक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाए क्या सर? जी बिल्कुल तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि टिपिकल ना, तो इसके लिए हम इसको ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज करेंगे, हम इसका ए फ्रीज कर देते हैं, डेटा पूरा फ्रीज करेंगे और एंटर प्रेस करके ड्रैग करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। अब मुझे सिर्फ इसका कॉलम नंबर चेंज कर, 5 की जगह पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। देखिए ये भी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना क्या सर? इस तरह से एक एक करना मुश्किल नहीं है? इसका सॉल्यूशन क्या है? एक एक करना हम नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे 30-40 हुए हैं तो मुश्किल हो जाएंगे ना सर। जी तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में हम कॉलम नंबर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी नंबर है, जो भी सिक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है सर। आप देख लीजिए कि जो कॉलम जो हेडिंग है और डेटा का हेडिंग है उसमें क्या सिक्वेंस है, उसके जी हिसाब से यहाँ पे सारे नंबर डाल। फिर वी लुकअप लगाया, इस नंबर को सर्च किया, डेटा पे गए, डेटा को सर्च किया, ध्यान दिया एंड कॉमा 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह ना करके हम आएंगे लुकअप में, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा 3। अब आगे मुझे ड्रैग करना, राइट, जी आगे मुझे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए हम इसका ए फ्रीज करेंगे, ए फोर्स, और यहाँ ए से एम फ्रीज करेंगे डेटा और बी का 1 फ्रीज करेंगे और फिर इसको हम ड्रैग करेंगे। अब इसमें डेट का फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे फिल विदाउट फॉर्मेट, ठीक है। देखिए मुझे एक कॉलम रहना पड़ रहा है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है कॉलम, क्या है कॉलम, कॉलम कॉलम का फॉर्मूला है। कॉलम फॉर्मूले में किसी भी सेल में अगर हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए उसका कॉलम नंबर 3 है तो 3 आ जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो 3 आया है वो ऐड है, क्या करें इसके लिए? तो इतने जो 3 वी लुकअप है, मतलब ये 3 जो है ऐसे है वी लुकअप में चाहिए, तो मैं यहाँ जी पे वी लुकअप लगाऊ इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट कर डेटा में गए, डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ हम कॉलम का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉमा करके कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉलम के फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड कॉमा 0 करेंगे, रिजल्ट आ गया डेट। अब मुझे एक यहाँ पे ए को फ्रीज करना है, ताकि बी ना बन जाए, ए से एम को फ्रीज करना है और यहाँ पे हमें बी को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, और एक डेट है तो डेट की डेट फॉर्मेट कर दिया और इसको आगे की तरफ ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फिल विदाउट फॉर्मेट, जी लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपका कॉलम स्टार्टिंग से होना चाहिए, अगर स्टार्टिंग से नहीं है तो आपका गलत आएगा रिजल्ट। ठीक है, जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जिस शीट में हम वीलुकअप लगा रहे हैं, अगर उसमें जो हेडिंग है वो सीक्वेंस और डेटा का सीक्वेंस अलग-अलग है, हाँ तो ये बताता हूँ, ऐसे काम सब नहीं बताता हूँ, करेगा। चिंता मत करिए। जैसे आपने बोला कि अलग अलग है, तो यहाँ वी लुकअप में एरे का इस्तेमाल, देखिए ड्रैग व्रैग करने की भी झंझट नहीं है, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सारे कॉलम नंबर जो भी सीक्वेंस में है वो इकट्ठा यहाँ पे डाल देते, ठीक है। अब यहाँ तो मेरा सिक्वेंस है, सिक्वेंस भी आप अपने हिसाब से डालिएगा जो आपका सिक्वेंस है, और यहाँ पे एंटर। मतलब अगर जी अगर सर मान लीजिए डेटा डेटा में
रॉ डेटा में 10 फील्ड है और यहाँ मेरे पास 5 फील्ड ही है, तो जो मेरे फील्ड का सीक्वेंस है जो उससे जी मैच जी हो रहा है ओ वैसा हाँ, डाल यहाँ सकता पे हूँ। ये जरूरी है अपना अपना फील्ड का, भाई डेट का वैल्यू 2 है, इसका 8 है, उसका 7 है, इस तरह से ऐसे हाँ वैसा भी डाल सकते हैं फिर। ही डालना है, ऐसा जी। ही डालना है, तो मेरे को ठीक अगर है। 4 निकालनी है जोन क्वांटिटी सोल्ड, तो जो उनका जो जो भी सीक्वेंस है वो डाल के मेरे को मिल जाएगा आंसर। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी सर। अब जैसे कि ये तो मैंने लगा दिया डायरेक्ट, लेकिन ये क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, पुराने वर्जन में इसको पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको लगाना है वी लुकअप। इसको सेलेक्ट किया, डेटा में चले गए और डेटा के अंदर गए और जो कर्ली ब्रैकेट में जो डालते हैं ऐसे डालिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर नहीं मारा, यहाँ मारूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला कि मेरा सीक्वेंस अलग अलग है और चेंज होते रहता है, जैसे मुझे अभी जोन क्वांटिटी कैटेगरी सेल्स वैल्यू चाहिए, कल के डेट में जोन की जगह पे कस्टमर चाहिए, तो हर बार ऐसे करेंगे तो अलग अलग होगा क्या? तो जी यहां पे क्या करें हम, तो यहाँ हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला, मैच मैच फॉर्मूला, जो कि मैं लास्ट में बताया था कि हमने जोन को लिया, डेटा में गए, डेटा के रो वन को सेलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिया, ठीक है, 13 आ गया। तो जी इसने तो जोन का नंबर 13 दिखाया, कल के डेट में जोन के जगह पे अगर मान लीजिए कस्टमर हो गया तो ये 12 है। अब मैं वही लुकअप लगाते समय 140 को सिलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं वो मैच का फॉर्मूला है वो सिलेक्ट करूंगा, एन कॉमा 0, ठीक है। इसको जी कॉपी किया और यहां पे हम वी लुकअप में B11 को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, और इसको ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा, तो हमने यहां पे फ्रीज कर, जी थर्टीन का 13 फ्रीज करते हैं एंड 1 1 1 करते हैं, ठीक है। अब ड्रैग कर दीजिए, समझे सर? जी सर। बट कस्टमर का नाम नहीं आया ना इसमें, इसका कस्टमर कस्टमर की जगह है, कस्टमर ही उसका आया नाम है। अच्छा कस्टमर ही है, नाम ही कस्टमर है। 141, 142, 152, 152 आगे कॉपी, ठीक है। जी अभी फाइल में भेज रहा हूँ, इसकी कीजिए ट्रैक।